एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, मैं रितु रिवा से रिलेटेड बहुत दिन बाद अपडेट दे रहा हूँ आप लोग को, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दिए हैं रितु रिवा के कंटेंट को, इसलिए मैं फिर से दोबारा अपडेट आप लोग को दे रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं रितु रिवा अरिजीत सिंह से मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग भी एक सिंगर बनना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को अहमियत समझेंगे उस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब ऑडिशन देने गया था सारेगामापा का, जब मैं वहाँ पे, मुझे पता नहीं था पहले कि सचिन सर मिलने वाले हैं, ठीक है। उस टाइम जब मैं उनसे मिला तो बहुत इतना ज़्यादा अच्छा लगा, जो फीलिंग रहता है ना वो अलग लेवल का होता है गाइस। अगर आप लोग भी इस तरह से ऑडिशन देने जा रहे हैं, आप लोग भी मिल रहे हैं, बहुत कोई है जो सचिन सर से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी उस तरह का जो लेवल है, फील है, वो आया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। जो आज रितु रिवा अरिजीत सिंह के साथ आप लोग फोटो देख रहे हैं, वो उस टाइम एक इंडियन आइडल के स्टेज पे खड़ा हुआ था और एलिमिनेशन के दौर पे खड़ा हुआ था, ठीक है। और उस जगह से उठ के वहाँ तक आना बहुत ही मेहनत लगता है गाइस, बहुत स्ट्रगल किया है और उनका अपने दम पे किया है। कोई भी किसी का दम नहीं, मतलब कोई भी किसी का मतलब ये नहीं लिया है, सहारा नहीं लिया है, अपने दम पे किया है जो भी किया है, ठीक है। आज वहाँ पे उनको देख रहे हैं तो अपने दम पे किया है। और आप लोग भी दोस्तों समझना चाहिए आप लोग को, ओनली ऑडिशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इंडियन आइडल सारेगामापा, ठीक है, हम मान रहे हैं कि आप ऑडिशन दे रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है, बट उसी के भरोसे रहना ये गलत बात है। क्योंकि आज रितु रिवा अगर उसी के भरोसे रहता, इंडियन आइडल सारेगामापा उसी का अगर भरोसे रहता, तो आज इस लेवल पर अरिजीत सिंह के साथ आप लोग फोटो नहीं देख पाते गाइस। वो कहीं ना कहीं अपने दम पे मुकाम हासिल किया है। एक टाइम था उस टाइम वहाँ पे खड़ा हुआ था और अभी आज अरिजीत सिंह के सामने खड़ा है। वो कैसे हो सका पॉसिबल? वो अपने दम पे हो सका दोस्तों पॉसिबल। आप भी कर सकते हैं उस चीज़ को, आप भी पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना मंजिल चुनते रहिए, करते रहिए। और बारिश उनका जो एल्बम आया है वो भी बहुत ही अच्छा खासा चला है इस बार दोस्तों। कि बहुत कोई क्या बोलते हैं, बहुत कोई क्या होता है कि बोलता है कि एक बार वायरल हो जाने के बाद फिर उसका अता पता नहीं रहता है। जिस तरह से रानू मंडल के साथ कंपेयर किया जा रहा था, कच्चा बादाम के साथ कंपेयर किया जा रहा था इनको, तो इस तरह से वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ अलग लेवल का है और वायरल एक बार नहीं, बार बार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगर। और अरिजीत सिंह के साथ दिख रहा है कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि नया एल्बम या फिर नया शो, नया सॉन्ग हम लोग को सुनने को मिलेगा, हम लोग को एल्बम देखने को मिलेगा। मैं यही आशा करता हूं कि अरिजीत सिंह के साथ एक गाना आए रितु रिवा का, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो सकती है दोस्तों। आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट्स देखते रहने के लिए ऑडिशन से रिलेटेड, रितु रिवा से रिलेटेड, फ्लोरिना गोगोई से रिलेटेड और भी जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि सर के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। और आज के वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि सर के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे।